विदेशी धरती पर अपने हौसलों का परचम लहराने के बाद प्रवासी भारतीय राजदीप सिंह ने अपने गांव में शिक्षा को सुधारने का जिम्मा उठाया है। गुरदासपुर के तलवंडी गांव के रहने वाले राजदीप सिंह ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए कंप्यूटर की सुविधा देने के लिए पहल की है। देखिए खास रिपोर्ट। देश की धरती पर अपनी मेहनत से सफलता हासिल करने के बाद प्रवासी भारतीय ने अपने गाँव को बेहतर बनाने का मन बना लिया है। मामला जिला गुरदासपुर का है। गुरदासपुर के रहने वाले राजदीप सिंह ने अपने गांव तलवंडी को सुधारने का जिम्मा अपने सिर ले लिया है, जिसके लिए उन्होंने सरकारी हाई स्कूल और सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की हर तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए शिक्षा विभाग से मुलाकात की। इस स्कूल दे विच हुण कोई नवी बिल्डिंग की जरूरत है, वह बिल्डिंगा बना रहे नवियां, कुछ कंप्यूटर क्लासां लगा रहे हैं, कुछ इन्हां नूं अध्यापक इत्थे बहुत घट आ, जिन्हां चिर तक अध्यापक नहीं मिलते उन्हां चिर तक इन्हां नूं असीं कहा कि असीं तुहानूं टैंपरेरी अध्यापक दे दिंदे आ, कुछ अं चाहते हैं कि फॉरन तो लोग आके इन्हों इंग्लिश सिखाया कर, इतने अं चाहते हैं कि फ्यूचर में एक दो साल बाद जो बच्चे थोड़े तैयार हो जाए तो इन्हों कॉल सेंटर खोलीए, कोई बहुत हाई लैवल का कॉल सेंटर खोलीए, जरा बच्चों बहर यूरोप कैनेडा जर्मनी अमेरिका तो उतों लोगों बच्चों काम मिलया करे, बच्चों कोर्स कराइए कंप्यूटर के, बच्चों फोटोशॉप का काम, वैब डिजाइनर बच्चे बन, गूगल के उत्ते मार्केटिंग सीखन, ये चीज़ों वास्ते उन्होंने सिखाया जाएगा कि बच्चों घर बैठे फ्यूचर के 40-50 हज़ार तो लख रुपया बच्चे घर बह के भी कमा सकते हैं, इतने बह के बाहर जाने की उन्होंने जरूरत भी नहीं बच्चों, यहोजा सा सपना वा, तो कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर अंदर साड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो जाए।